हेलो फ्रेंड्स, तन्वीज क्रिएटिव किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ बचे हुए चावल में से बहुत ही कम तेल यूज करके फटाफट बनने वाला चटपटा नाश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे राइस पैनकेक, जिसके लिए एक मिक्सर जार में मैं लूंगी एक कप बचा हुआ चावल, करीबन आधा कप जितना पानी डालेंगे और मिक्सर में चर्न कर लेंगे। इन्हें चर्न करके एक मिक्सिंग बोल में ले लिया है। अब इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, आधी टेबलस्पून हरी मिर्च, एक टेबलस्पून कसा हुआ गाजर, एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, टेबलस्पून बारीक कटा हुआ टमाटर, 3 टीस्पून अदरक और जिंजर की पेस्ट, थोड़ा सा हरा धनिया, आधा कप बेसन, 4 टेबलस्पून दही, नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। हम अच्छी तरह से घोल बनाएंगे। सबसे पहले सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा ज्यादा पानी डालेंगे। करीबन 1/4 कप जितना पानी इसमें गया है और हमारा बैटर रेडी है। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप, इतनी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। ये हम साइड में रख लेंगे। अब गैस पे हम एक तवा चढ़ाएंगे और थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तवा गरम होने लगा है तब हम इसमें बनाएंगे हमारा पैनकेक। अच्छी तरह से फैला लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। अब इसे फ्लिप कर लेंगे। ये पैनकेक बन गया है और प्लेट में हम ले लेंगे। हाउसवाइफ है या तो फिर यंगस्टर्स है और घर बैठे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप मीशो ऐप डाउनलोड कीजिए। मीशो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब बनाएंगे राइस पिज्जा, जिसके लिए एक मिक्सर जार में मैं लूंगी एक कप बचे हुए चावल, करीबन आधा कप जितना पानी, और मिक्सर में चर्न कर लेंगे। मिक्सर जार में अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बना ली है। अब उसमें डालेंगे आधा कप सूजी, ये बारीक वाली सूजी है, और आधा कप दही। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अनुसार नमक डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब देख लेते हैं हमारी सूजी फूल के तैयार हो गई है कि नहीं। अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गई है, देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे साइड में रख लेंगे। अब एक गैस पर
तवा चढ़ाएंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और हल्का सा गरम होने देंगे। हल्का सा गरम हो गया है, अब हम इसके ऊपर ये बैटर रखेंगे। थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे। साइड पे हम बटर लगाएंगे, इसके ऊपर ढक्कन ढककर पका लेंगे। अब मैंने फ्लिप कर लिया है और ये पार्ट पे हम लगाएंगे पिज्जा सॉस। इसके ऊपर डालेंगे इटालियन सीजनिंग, इसके ऊपर चीज लगाएंगे। के ऊपर थोड़े वेजीज लगाएंगे। ऊपर से थोड़ी चीज लगाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा इटालियन सीजनिंग डालेंगे। गैस को बिल्कुल मीडियम रखेंगे और ये चीज मेल्ट होने तक इसके ऊपर ढक्कन ढक लेंगे। ढक्कन निकाल के देख लेंगे। वाव, बहुत ही बढ़िया सा पिज्जा बनकर तैयार है। बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा कि ये राइस पिज्जा है। तो आप ये पिज्जा घर पर जरूर बनाइए और सर्व कीजिए। तो आप ये सब बचे हुए चावल में से नाश्ते बनाइए, खाइए। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कुछ ही दिनों में ऐसी कुछ नई और क्रिएटिव रेसिपी